चलो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? सबसे पहली चीज ध्यान रखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर. हु कम टुगेदर क्यों आएंगे एक साथ टू कंटेस्ट इलेक्शन? क्यों आएंगे एक साथ टू कंटेस्ट इलेक्शन? होल्ड पावर, ठीक है ना? दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज, ठीक है ना, टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. तो अगर यहाँ देखें पॉलिटिकल पार्टीज की डिफाइन में, तो चार चीजें. पहला क्या? ग्रुप ऑफ पीपल, कम टुगेदर, होल्ड पावर. क्यों कम टुगेदर? कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर, अग्री ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. और ये सारी पंचायती लोग क्यों कर रहे हैं? टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, सबका भला हो. आ रही है बात समझ में? दे परसुएड पीपल. परसुएड मतलब कन्विंस करना. दे परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स. आई बात समझ में? एंड सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी. की बोला अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये इस पॉलिसीज क्या कर देंगे? इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल, कम टुगेदर, कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर, अग्री ऑन सम पॉलिसीज टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. दे परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर एंड सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग इलेक्शंस. बोलो, कोई परेशानी? नेक्स्ट, हु इज अ पार्टिसन? तो पार्टिसन इज अ पर्सन. हु इज अ पार्टिसन? He is a person strongly committed to a party, group or faction. Partisan is a person strongly committed to a party, group or a faction. ठीक है, a partisan is faction. एक idea या norm होता है जिसको आप blindly follow करते हो. ठीक है, क्या होता है? They are marked by tendency to take a side. Tendencies to take a side मतलब ये bias रहते हैं. ये किसी भी चीज पे किसी पार्टी की तरफ या किसी आइडियोलॉजी की तरफ बायस रहते हैं, और ऐसे में ये किसी भी चीज पर एक बैलेंस्ड व्यू नहीं दे पाते. किसी भी चीज में ये बैलेंस्ड व्यू नहीं दे पाते. क्लियर? अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले छह हेडिंग याद कर लेना. मैं बोल रही हूँ, सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन. दूसरा, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तीसरा, मेकिंग लॉज. चौथा, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. पांचवा, रोल ऑफ ऑपोजिशन. छठा, शेप पब्लिक ओपिनियन. और लास्ट, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग लॉस, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, रोल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, और शेप पब्लिक ओपिनियन. Why do we exam point of view से question बहुत important है, बहुत बार exam में आ चुका है, ठीक है ना? तो हमने बोला चलो मानो political parties नहीं होती. So if there are no political parties, every candidate would be independent. Every candidate would be independent. No political party, every candidate would be independent. They would be accountable for their constituency. They would be accountable for their constituency. But no one will be responsible for how the country would run. No one would be responsible how country would. So, no political party, every candidate would be independent. Elected representatives would be accountable for their own constituency, but no one would be responsible upon how the entire country would run. आई बात समझ में? तो ये तो पहला पॉइंट हुआ. बोला अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी होती तो ऑटोमेटिकली बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, विलेज में देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, बट हर विलेज में एक से ज्यादा फैक्शन होते हैं. द विलेज गेट्स डिवाइडेड इंटू मोर देन वन फैक्शन, each of which announces a candidate just like a political party. तो वो जो faction होता है वो technically कोई political party नहीं होती, but village itself gets divided into faction, each of which puts forward a candidate just like a political party does. तीसरा point, as societies get larger and complex, they need some agencies to gather views on different issues and represent these issues to the government, and political parties are needed to do it. ठीक है, they support, they make policy, justify or oppose them. तो अगर ये आंसर आता है तो बेटा हम लोग को टेक्निकली कितने पॉइंट लिखने हैं? चार.
मैं बता रही हूँ, पहला अगर पोल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑन हाउ द कंट्री वुड रन, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, एट विलेज लेवल देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, बट ईच विलेज गेट्स डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फैक्शन एंड ईच फैक्शन पुट्स फॉरवर्ड अ कैंडिडेट जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी डज. दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सोसाइटी इज लार्जर और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. वी नीड सम एजेंसीज, वी नीड सम एजेंसीज टू गैदर इंफॉर्मेशन या ओपिनियन ऑन डिफरेंट व्यूज एंड रिप्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू डू इट. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. फोर्थ, दे सपोर्ट पीपल, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम. सो ये तुम्हारा किस चीज का आंसर हुआ, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. क्या होता है, वन ऐसी कुछ कंट्रीज रहती है जहां पर एक ही पार्टी रहती है जो गवर्नमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऐसे को हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. एग्जांपल चाइना, चाइना में कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट अलाउ इलेक्टोरल फेयर कॉम्पिटिशन फॉर पावर. टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन कंट्रीज पावर चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. ठीक है, दीज टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस. ओनली दीज टू पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके. फिर आता है तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम, सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर. मोर देन वन पार्टी हैज अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. पहली बात, कॉम्पीट भी बहुत सारी करती है और बहुत सारी के पास रीजनेबल चांस भी होता है क्या करने का, इलेक्शन जीतने का. तो मोर सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, मोर देन वन पार्टी या मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस फॉर विनिंग द इलेक्शन एंड कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद द अदर. ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ यानी कि अपने बलबूते पे or with an alliance with other, this is called multi-party system. Alliance matlab kya hota hai, when several parties in a multi-party system, when several parties in a multi-party system join hands, haath nahi jodna, join hands. Theek hai, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, then it is called alliance or front. Example, 2004 election में, 2004 के election में हमारे यहाँ कौन कौन से alliances बने थे, एक बना था NDA, National Democratic Alliance, दूसरा क्या बना था, UPA, United Progressive Alliance और तीसरा क्या था, Left Front. Multi-party system बहुत messy दिखता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेकर आता है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या होती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंजॉय कर सकते हैं. मेसी होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेकर आता है, लेकिन क्या होता है, लार्ज वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट आर एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इज दैट क्लियर. रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती है, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जिनके पास एक यूनिक सिंबल होता है जो उसके कैंडिडेट को मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस. दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस, दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस एंड स्पेशल फैसिलिटीज, एंड स्पेशल फैसिलिटीज रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. तो कौन सी होती है रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास एक यूनिक सिंबल होता है दैट इट्स कैंडिडेट कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस and special facilities, they are given certain privileges and special facilities recognized by the election commission, recognized by the election commission. Okay, theek hai. Ab national party kaun si hoti hai, dhyan se dekhna. National party wo hoti hai that secures at least 6% of the total votes, that secures at least 6% of the total votes. Theek hai na, kahan par, to the legislative assembly of a state, to the legislative assembly of a state, or at least two seats, at least two seats is recognized as a state party.
is recognized as a state party. तो स्टेट पार्टी क्या करती है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स. पहली कहानी कौन सी है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स. कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स एंड विंस एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. ओके, नेक्स्ट नेशनल पार्टी कौन सी होगी, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन. पहले हमने क्या देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली देखा, यहाँ पर हम लोगों ने बोला 6% ऊपर भी है, 6% दर पे भी, पर यहाँ पर क्या है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट फोर स्टेट्स इन द लोकसभा एंड विंस एट लीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा. तो छह स्टेट पार्टी के लिए 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स. और नेशनल पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स बट इन अ लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस ऑफ फोर स्टेट्स, असेंबली इलेक्शंस ऑफ फोर स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा. ऐसी पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी. इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी. देखो कांग्रेस कब लॉन्च हुई थी, 1 जनवरी 1998 को. लीडरशिप किसकी थी, ममता बनर्जी की, ठीक है ना. नेशनल पार्टी कब बनी, 2016 में. सिंबल क्या है, फूल और घास, ठीक है. पार्टी का मोटो क्या है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. वेस्ट बंगाल में ये पावर में है 2011 से. अब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा में भी पावर में आ रही है, ठीक है ना. जनरल इलेक्शन 2014 में हुए थे, इसको 3.84% वोट्स मिले थे और ये 34 सीट्स जीती थी इसने, ताकि ये क्या हो गए, बन गई फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन गई. फिर है तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी. कब बनी थी, 1984 में. किसके अंडर लीडरशिप में, काशीराम, आई बात समझ में. और ये वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए काम करती है. जैसे हमने ऊपर देखा ना, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, तो बहुजन समाज पार्टी का फोकस किस पे रहता है, हमेशा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना. और इसका मेन बेस कहाँ है, यूपी में है अभी, लेकिन इसके ये कहाँ कहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब. आई बात समझ में. इसने यूपी में बहुत बार गवर्नमेंट बनाई है अलायंस के थ्रू. फिर है हमारी प्यारी बीजेपी, 1980 में बनी थी, ठीक है ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाई थी 1950, नहीं नहीं ये पहले अलग नाम था इसका, अभी तो 1980 याद रखना है ना. इनका पर्पस क्या है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, इंडिया के एंशियंट कल्चर को ध्यान में रख के, ठीक है ना. और इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय की बात ये करते हैं, ठीक है. लाइट लेके आना उदय. कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न अर्बन एरियाज की पार्टी है ना. और ये लार्जेस्ट पार्टी बनी 2014 के इलेक्शंस में, अब की बार मोदी सरकार वो वाली इलेक्शंस मतलब. सीपीआई इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी. मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है, सेक्युलरिज्म और डेमो, ठीक है ना. ये सेसेशनिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है, ठीक है. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करती है और ये गरीबों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, जैसे वर्किंग क्लास और फार्मर्स और पुअर, ठीक है. कहाँ कहाँ अवेलेबल है, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, है ना. लेस देन 1% वोट मिले, 1 सीट मिली 2014 के इलेक्शंस में. फिर ये जो ऊपर वाली सीपीआई थी, ये जब स्प्लिट हुई तो 1964 में, ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को मानती, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, हाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म में मिली को अपोज करती है, ठीक है. बोलते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, और पावर में कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा, है ना. ये वेस्ट बंगाल में पावर में थी करीब कितने साल, विदाउट ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, ठीक है. फिर आ जाओ तुम लोग आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको पॉपुलरली हम लोग कांग्रेस पार्टी बोलते हैं. ओल्डेस्ट पार्टी है,
1885 में बनी थी हमारी आजादी के भी पहले, लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनकी ये सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी चाहते हैं इंडिया में, है ना। ये 1977 तक सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी थी, उसके बाद 80 से लेके 89 तक भी इन्होंने बहुत सालों तक राज किया, और 89 के बाद इसका सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बीजेपी आ गई। मेन पार्टी का आइडिया क्या है, सेक्युलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटी। फिर आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कब बनी थी, 1999 में बनी थी, आईएनसी के स्प्लिट के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट के बाद, ठीक है ना, स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधी जी के सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। ये महाराष्ट्र में अच्छी बड़ी पार्टी है, और इसके अलावा मेघालय, मणिपुर में भी छोटे मोटे इलेक्शन जीत लेती है, है ना। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोलिजन पार्टनर भी है, किस नाम से, यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। चलो अब बात करें किसकी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टीज मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखते, मीटिंग्स नहीं रखते, इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं होते। रजिस्ट्रेशन, इंटरनल इलेक्शंस और मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, ठीक है ना। और ये ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं रखते अपनी फंक्शनिंग में, जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर जो है वो कभी भी टॉप पे नहीं आ पाता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। क्या कहते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। तो पहला चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। तीसरा क्या है, मनी एंड मसल पावर्स, यानी कि क्या होता है, वो बहुत सारे शॉर्टकट्स करते हैं विनिंग द इलेक्शन। मतलब जो बंदा पार्टी को फंडिंग देता है उसको बहुत सारे फेवर्स देते हैं, और ये क्रिमिनल्स का भी यूज करते हैं या क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं जो पार्टीज को हेल्प करते हैं इलेक्शन में लड़ने के, मतलब जीतने के लिए। आ रही बात समझ में। लास्ट क्या है, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोट। मतलब क्या हुआ कि सारी पार्टीज की जो वो है क्या पॉलिसीज है, या जो वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो हियर एंड देयर क्या है, सेम ही है। और हमेशा क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक लीडर चेंज होते रहते हैं। तो जो पहले कांग्रेस में था वो बीजेपी में, तो बीजेपी भी वैसी है जैसे कि कांग्रेस है। तो लोगों को बहुत मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है। याद रखना, चार लिमिटेशन लिखनी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, एंड पार्टीज फेल टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज फेल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं जिससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो जाएगी। पहला, अब आप एमपीज और एमएलएज को पार्टी चेंज करने से क्या करते हो, रोक सकते हो। आ रही बात समझ में। सेकंड, और मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो भी बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ होगा और उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो भी लिखा होगा। आई बात समझ में। और अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करे और अपने इनकम टैक्स भी फाइल करे। इन सब के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज जब रिफॉर्म नहीं होती है तो हम लोगों ने क्या करा, कुछ और उनको फ्री के सजेशन दिए जो हम लोग देते ही हैं। पहला कि एक लॉ बनाओ जिससे क्या हो, इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट हो जाए, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को बोलो एक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स किसको देने चाहिए, विमेन कैंडिडेट्स को देने चाहिए, ठीक है। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए कि यार कोई अपना पैसा यूज करे ही नहीं, सरकार ही सारी फंडिंग दे किसके लिए, इलेक्शन के लिए। इसके अलावा हम लोग एज सिटीजन क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं, पेटिशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू और एजुटेशन के थ्रू। आ रही है बात समझ में। हम लोग क्या कर सकते हैं, पेटिशन, पब्लिसिटी, एजुटेशन, पीपीए, एएपी नहीं, पीपीए, पेटिशन, पब्लिसिटी और एजुटेशन, ठीक है। और दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा क्या कि लोग हमें चाहते हैं कि हम बदल जाएं, तो वो बदल
जाएगी, क्योंकि अगर हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो उन्हें पता रहेगा नेक्स्ट टाइम उन्हें इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म? बोलो, कोई परेशानी? विद दिस चैप्टर इज ओवर. बेटा